जाने मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का हाल। मेष राशि, शैक्षिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी, परिश्रम अधिक रहेगा, नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। पिता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है। वृष राशि, मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। कारोबार के विस्तार में भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें, बातचीत में संयत रहें, वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों से मतभेद हो सकते हैं, पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। कारोबार में सुधार होगा। मिथुन राशि, मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। कारोबार के विस्तार में भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आ सकती है। सेहत का ध्यान रखें, बातचीत में संयत रहें, वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। रुके कार्य पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों से मतभेद हो सकता है, पुराने मित्र से भी भेंट हो सकती है। कारोबार में सुधार होगा। कर्क राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च अधिक रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। मानसिक शांति रहेगी लेकिन बातचीत में संयत रहें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहें। आय में कठिनाइयां आ सकती हैं, शैक्षिक कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। सिंह राशि, संयत रहें, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, धन की प्राप्ति होगी, मन अशांत रहेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कन्या राशि, कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। फिलहाल आय में कमी और खर्च की स्थिति हो सकती है। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा, किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। मन में नकारात्मक का प्रभाव रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में अफसरों से मतभेद बढ़ सकते हैं। तुला राशि, धैर्यशीलता बनाए रखने की कोशिश करें। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। मानसिक शांति रहेगी लेकिन अपनी भावनाओं को वश में रखें। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि, मन परेशान हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती है। पिता का साथ मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। संयत रहें, क्रोध के अतिरेक से बचें। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। परिवार में आपसी मतभेद रहेंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। धनुराशि, किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। मन अशांत रहेगा, धैर्यशीलता में कमी रहेगी। पारिवारिक जीवन कष्टमय रहेगा। अति उत्साही होने से बचें, क्रोध के अतिरेक से बचें। नौकरी में अफसरों से मतभेद बढ़ सकते हैं। माता पिता का साथ मिलेगा। मकर राशि, संयत रहें, अपनी भावनाओं को वश में रखें। माता पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में यात्रा पर जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। वस्त्रों एवं गहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि, आत्म संयत रहें, धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। मन अशांत रहेगा, पारिवारिक जीवन कष्टमय रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा, तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। वाहन सुख में कमी आएगी, तनाव से बच कर रहें। मीन राशि, शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्यों में व्यवधान आएंगे, पारिवारिक जीवन कष्टमय रहेगा। बातचीत में संतुलित रहें, कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। यात्रा के योग है।